भारत अब बदल गया है। वो अपने दुश्मनों को सबक सिखाना जानता है। नया भारत अच्छे संबंधों के लिए भीख नहीं मांगता, जो जैसी भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाना जानता है। ऐसे में अब हमारे पड़ोसी जैसे चीन और पाकिस्तान हमसे सकपकाए हुए हैं, डरे हुए हैं, और पूरा देश ये जानता है कि अब हम चीन से नहीं डरते हैं, बल्कि उसे भी उसकी ही भाषा में सबक सिखाना जानते हैं। और ये सच्चाई हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है। ऐसे में ऐसा ही एक सवाल कर डाला एक बच्चे ने हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से, जिसे सुनकर जयशंकर की भी हंसी छूट गई। दरअसल एस जयशंकर महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे थे। यहां आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस कार्यक्रम में एक नवी कक्षा के छात्र भार्गव देशपांडे ने विदेश मंत्री जयशंकर से भारत चीन के संबंधों पर एक ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर उनकी हंसी निकल गई। फिर उन्होंने इसका जवाब भी दिया, वो भी ऐसा जिसे सुनकर आप भी हैरान होंगे। दरअसल छात्र ने सवाल किया कि क्या दोनों देश रिश्तों को और बिगाड़ने वाले हैं। यह सवाल सुनकर विदेश मंत्री पहले तो मुस्कुरा दिए, उसके बाद उन्होंने कहा, पिछले कुछ सालों से दोनों देशों के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि दोनों देशों के बीच कुछ लिखित समझौते थे कि दोनों देशों की सेना एक दूसरे के बॉर्डर में दाखिल नहीं होगी। वहीं बॉर्डर के करीब के सीमित तादाद में सेनाओं की मूवमेंट होगी, लेकिन साल 2020 में चीन ने इस समझौते का उल्लंघन किया है। एस जयशंकर ने आगे भार्गव के सवाल का जवाब ही नहीं दिया, बल्कि स्थिति को समझाते हुए कहा, साल 2020 में LAC में चीन ने बड़ी तादाद में अपनी सेना भेजी। उसके बाद गलवान में घटना घटी। कोविड के दौरान जब देश में लॉकडाउन था, तो उस समय भी मोदी सरकार ने बड़ी तादाद में बॉर्डर पर सेना की तैनाती की। तभी से दोनों देशों की सेना बॉर्डर पर है। जब तक आप बॉर्डर पर शांति कायम नहीं करेंगे, आमने सामने सेना खड़ी रहेगी, तो आप यह नहीं सोच सकते कि ऐसे हालात में बाकी रिश्ते बेहतर बन सकते हैं। यहाँ झगड़ा करो, वहाँ बिजनेस करो, आगे देखना होगा, डिप्लोमेसी जारी है। एस जयशंकर के इस जवाब से इतना तो साफ है कि वो उस बच्चे को भी कोई गलतफहमी नहीं देना चाहते थे, बल्कि उन्होंने उसे भी सही रणनीति बताई है। और साथ ही साथ उन्होंने भारत का रुख पड़ोसियों के लिए कैसा होगा ये भी स्थिति बता दी। उन्होंने कहा कि पड़ोसियों के लिए ये वैसा ही होगा जैसा पड़ोसियों का बर्ताव। बहरहाल बच्चे का सवाल और विदेश मंत्री के जवाब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।